नमस्कार दर्शकों, कैनन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नगर स्थित राजनीति चौक में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के द्वारा एसडीएम को लव यादव मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं नगर में रैली निकाल कर विद्रोह प्रदर्शन। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व हिंदू मुस्लिम युवक युवती को हिंदूवादी संगठन द्वारा उज्जैन में पकड़ने के मामले के साथ ही लगातार क्षेत्र में हो रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर नगर में प्रमुख मार्गों से विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के द्वारा नारेबाजी करते हुए रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नगर स्थित कोचिंग सेंटर पर भी नारेबाजी की। आपको बता दें कि नगर स्थित कोचिंग सेंटर में ही दोनों हिंदू मुस्लिम युवक युवती की 2 साल पहले पहचान हुई थी, जिसके चलते दोनों ने घर से भागकर महेश्वर जाने का प्लान बनाया था, जिसको हिंदूवादी संगठनों द्वारा उज्जैन में पड़ देवास गेट पुलिस थाने के सुपुर्द किया गया था। उक्त मामले के साथ ही अन्य मामलों में भी हिंदू मुस्लिम युवक युवती को ही रही घटनाओं को लेकर दुर्गा वाहिनी द्वारा नगर में विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम जयसवाल को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के संबंध में माननीय महोदय उपरोक्त विषय का ज्ञापन की यह आगम निवासी नाबालिग कुमार सरोनी उर्फ चीनू पिता गीजर जी जोशी जाति केरल उम्मा होकर अपने नाना नानी एवं मोती के साथ में नगर आलोर में आलोर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती है। आलोर में इंद्रा कोचिंग सेंटर पर भी पढ़ाई करने जाती है। वहाँ यह कमल स्थान आलोर निवासी का होगा जो उक्त इंद्रा कोचिंग सेंटर पर पढ़ाई करने आता है। दिनांक 9/7/2023 की शाम को बहुत सरोनी को कला पिता का सम्मान किया जाता है। जिन संगठनों द्वारा उज्जैन के सेवा गेट पर उनको पकड़ा गया, इसके कारण आगर थाने पर लाकर बहन द्वारा आगर थाने पर 20/8/2023 को रात्रि 12:30 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाइए। सदन समान 0553 है। इस प्रकार से घटना जिन कोचिंग सेंटर पर हो रही है, ऐसी कोचिंग सेंटर को बंद किया जाए एवं घटना जिस कोचिंग सेंटर पर हुई है वह यदि अनलीगल है अवैध हो उसको जिम्मेदार किया जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो। आरोपी अमन खान एवं उसके साथी का घर यदि अनलीगल या अवैध हो तो उसको भी जिम्मेदार किया जाए, ताकि अगली बार कोई लव जिहाद करने से पहले जिहादों को शासन प्रशासन का बल हो और ऐसी घटना घटित न हो। पूर्व में विगत माह जुलाई में भी हिंदू का मुस्लिम युवक के द्वारा अपहरण हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आलोक थाने पर दर्ज करवाई थी। ऐसी कई प्रकार की घटनाओं पर पूर्व आरोप में घटित हुई है। ऐसी आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। दिनांक 23/8/2023 कैसे आ रहे हैं?